हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग गुरुकुल में। बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर एमसीएल का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे एक एरर मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहा था उसके रिगार्डिंग हमने एमसीएल में बात की और पता ये लगा कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण वहाँ पे जो सबमिशन था वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अभी जो है वो टेक्निकल एरर ठीक हो चुका है, तो आप उसे कैसे सबमिट कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। तो ये अप्लाई सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जो है लॉगिन डिटेल मिल जाता है यहाँ पे, तो उसी लॉगिन डिटेल से यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो है फिर से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जाना है और जा कर के उसको सारे जो भी चेक बॉक्स है उसको चेक टिक करके आपको जो है सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको जो है यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट गेटवे में उनका पेज जाएगा, फिर उसके बाद पेमेंट करके आपको वहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। देन वो जो फॉर्म का पीडीएफ है उसको आपको प्रिंट कर लेना है या फिर आप उसको पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि फ्यूचर के लिए आप उसे यूज़ कर सकें। ओके गाइस, सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड कर सकते हैं। यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत ज़्यादा है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।